आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है एवेंजर सीरीज जो मार्वल के बैनर के अंदर बनी है, मतलब कितनी बढ़िया सीरीज है पूरी। कितनी पूरी एक्समैन, आयरन मैन, बहुत सारी सीरीज के अंदर बनी हुई, बहुत सारी मूवीज हैं, सब देखी हुई, ऐसी बात नहीं है। मगर ये कि अभी इस वीडियो में तो बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि तो फ्री में प्रमोट भी जाएगा और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी बेवजह में, तो जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं बात करता हूँ मार्वल कंपनी की। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्वल नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है, तो मानोगे? नहीं मानोगे ना, पता है मेरे को, क्योंकि मैं जब भी ऐसी अटपटी नाम से कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आता हूँ तो बहुत लोग पहले कमेंट करते थे, भैया फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, मगर जब वीडियो देखते हैं तो कहते हैं हाँ सच में है। तो ऐसे में आपको बताने वाला हूँ, आरवी सेवा का एक मार्वल इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो सस्ते बजट में आता है और आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी ने निकाला है। डेली रिक्वायरमेंट के लिए, लंबे के लिए निकाला है, डेली के कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है या लेडीज़ हैं या डेली के लिए जो ग्रोसरीज है उनको लाने ले जाने के लिए ये काफ़ी परफेक्ट स्कूटर है, क्योंकि इसकी रेंज 60-70 किलोमीटर तक की है और बजट 55 से स्टार्ट होता है मैक्स। तो अगर आप लोग जानना है कि मार्वल इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या मिलता है, मतलब प्राइस, स्पेसिफिकेशन, फीचर, रेंज, तो ये वीडियो पूरी एंटर देना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करूंगा मार्वल के स्कूटर के बारे में। तो अगर देखना है तो देख सकते हो। अभी वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा के उसका कलर चेंज कर देना, ताकि इन फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट हो इस मार्केट के रिगार्डिंग और अटपटे इलेक्ट्रिक स्कूटर के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेस पर डालता रहता हूँ। आगे इन फ्यूचर मैं इस मार्केट को पॉलिटिक्स से थोड़ा कनेक्ट करने वाला हूँ कि ये कैसे आपस में कोविलेट करती हैं और कैसे इफेक्ट करती है हमको, क्योंकि जैसी पॉलिटिक्स में कुछ हलचल होती है यहाँ भी हलचल होगी तो फर्क हमें पड़ेगा, क्योंकि भरना तो अल्टीमेटली हमें ही है ना, जेब से समाई जाएगा। इसीलिए तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि मेरे को ये मर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे को बाकी लोगों की तरह डर के रहना चाहिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो को, जो कि मार्वल इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के। अगर मैं आरवी सेवा मार्वल की प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 52,500 रुपये है, जो कि एक्चुअल प्राइस है दिल्ली के अंदर। और कंपनी कहती है कि मार्वल इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो बैटरी है 3 से 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज होगी। फुल चार्ज होने के बाद आपको 70 से 80 किलोमीटर तक की रेंज देगी। और अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पर आपको डिस्क मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ आरबी सेवा मार्वल की, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल स्पीडोमीटर, DRLs, डिजिटल ट्रिप मीटर, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटीथेफ्ट अलार्म, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, पुश बटन स्टार्ट और LED टर्न सिग्नल लैंप जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अप टू द 200 किलोग्राम है, मतलब सबसे ज़्यादा है, कम से कम में सबसे ज़्यादा ये आप इस पर लोड ले सकते हो। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो मोटर लगी हुई है वो हब मोटर है, और इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम आयन है, जो कि 60 वोल्ट की है। तो क्या आप लोगों को पता था कि मावल नाम से इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है? ये वीडियो देखने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या मिलता है। वैसे आपको क्या पता था भाई, कमेंट करके बता देना अगर पता था या नहीं पता था, क्योंकि मेरे को पता चले ना कि मेरी ऑडियंस कितनी रिसर्च करती है, कितनी अवेयर है इस मार्केट को लेकर, क्योंकि भैया हम तो कह ही रहे ना आप लोगों के लिए, आपको क्यों ज़रूरत है? सब्सक्राइब कर लो, डेली बेस मिलती रहेगी। बाकी अगर आप लोगों को डेली बेस के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लानिंग कर रहे थे और सोच रहे थे भैया थोड़ा अलग हो जाए, वाह ताज, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये सस्ते बजट में डेली यूज़ के लिए कंपनी ने बनाया है, ताकि लोग इसको खरीदें और थोड़ा सा यूज़ करें और कंपनी को फीडबैक दें, ताकि कंपनी प्रोग्रेस कर पाए और क्या कहते हैं सुधार कर पाए अपने अंदर। क्योंकि जब तक कस्टमर या ऑडियंस फीडबैक नहीं देती दोनों को, ये कंपनी को हमको, तब तक हमारे अंदर सुधार नहीं होता, हम अपना वही घिसी पिटी चीज़ें करते रहते हैं। जैसे मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, जिससे धीरे धीरे मैं चीज़ें सुधार रहा हूँ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें इन फ्यूचर ना देखने को मिले। इसीलिए बाकी अगर आपको मैंने कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलाके स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर DM पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ, तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल वीडियो मिल जाए विद इन्फॉर्मेशन और इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप लोग कम से कम समझ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिंग लगी, तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।